खबर मंदसौर जिले के गरोठ से। मंदसौर जिले के उपखंड गरोठ अनुविभागीय अधिकारी मुकेश शर्मा द्वारा महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर के 31 समितियां गरोठ जनपद क्षेत्र में व 21 समितियां भानपुरा जनपद क्षेत्र में गठित की गई है। साथ ही शामगढ़ गरोठ भानपुरा व भेसुदा नगर परिषद द्वारा भी वैक्सीनेशन के लिए सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुसार अधिक से अधिक कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग सहित ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आदि की टीम गठित कर उपखंड गरोठ में महावैक्सीनेशन की तैयारियां की गई है। साथ ही अपील की गई है कि अधिक से अधिक इस अवसर का लाभ लेकर के अपना टीकाकरण सुनिश्चित करें। इसके लिए घर घर जाकर के प्रचार प्रसार टीमों द्वारा किया जा रहा है। गरोठ संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। 25-26 को महावैक्सीनेशन का आयोजन है, उपखंड गरोठ स्तर पर क्या व्यवस्थाएं हैं सर? जैसा कि शासन से और जिला कार्यालय से हमें जो निर्देश मिले हैं उस अनुसार हमने दलों का गठन किया है। गरोठ ब्लॉक में 29 केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा और भानपुरा ब्लॉक में 21 केंद्रों पर होगा। तो हमने जो है लोकल लेवल पे वहाँ पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटोर आदि की टीम बनाई है। वो घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वैक्सीनेशन कराने के लिए अपील कर रहे हैं। हमारी अपील है कि जो भी अभी वैक्सीनेशन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो इसमें जो है आए वैक्सीनेशन कराने के लिए। और दूसरा एक और जो निर्देश मिला है कि जो द्वितीय डोज के लिए जिनको दूसरा डोज लगना है उनको भी हम लोगों ने मैसेज किया है, उसकी सूची भी हमें आई है कि 25-26 तारीख के आसपास किनका जो है द्वितीय डोज का समय हो गया है, तो उनको भी जो है हम अपने कंट्रोल रूम से जो है उनको संपर्क करके वैक्सीनेशन कराने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं।